नमस्कार, मैं सना आपका स्वागत करती हूँ वर्ल्ड टुडे में। आज तक एआई के इस खास शो में हम जानेंगे इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिंदी में। आइए शो की शुरुआत करते हैं। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह और समन्वय के लिए कार्य तंत्र यानी WMCC की 27वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक स्थिति की समीक्षा की। दोनों देशों ने बचे हुए तनाव के इलाकों से पीछे हटने के प्रस्तावों पर भी बातचीत की। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अमन चैन बहाली से द्विपक्षीय संबंधों के पटरी पर लौटने की स्थिति बनेगी। इसके लिए दोनों पक्ष जल्द से जल्द सैन्य वार्ता के अगले दौर पर सहमत हुए हैं। चीन ने अपने दक्षिण पश्चिम प्रांत यूनान में 13वीं सदी में बनी ऐतिहासिक मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया है। इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई का स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने तीखा विरोध किया था और अब उन पर कार्रवाई का संकट खड़ा हो गया है। यूनान के नागू शहर में बनी इस मस्जिद की एक गुंबद और चार मीनारों को जमींदोज किया गया है। प्रशासन ने मस्जिद गिराने की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करने वालों को दंगाई माना है। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये लोग 6 जून तक सरेंडर कर देते हैं तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। महाशक्ति अमेरिका पर मंडरा रहा दिवालियेपन का खतरा टल गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ऋण सीमा बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कर्ज की सीमा बढ़ाने वाला बिल उस वक्त पास किया जब देश के पास सिर्फ 5 दिन का वक्त था। अमेरिकी ट्रेजरी ने बताया था कि अगर 5 जून तक कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो देश डिफॉल्ट हो जाएगा। सदन में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बुधवार देर रात विधेयक 117 के मुकाबले 314 मतों से पास हुआ। उत्तर कोरिया का सैन्य जासूसी सैटेलाइट जल्द ही कक्षा में प्रवेश करेगा। देश की डिप्लोमेट किम यो जोंग ने सैन्य निगरानी प्रयासों को तेज करने की बात दोहराई है। राष्ट्रीय मीडिया KCNA ने गुरुवार को उनके बयान पर रिपोर्ट प्रकाशित की। किम का बयान बुधवार को देश के सैटेलाइट लॉन्च के नाकाम होने के बाद सामने आया है। किम ने अपने बयान में पश्चिमी देशों और अमेरिका को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि दूसरे देश पहले ही हजारों उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बीती रात हुए मिसाइल हमले में एक 11 वर्षीय लड़की सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रूस यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हवाई हमले कर रहा है। इस ताजा हमले में 11 लोगों के घायल होने की भी खबर है। अन्य मृतकों में एक 33 वर्षीय महिला और मृतक बच्ची की 34 वर्षीय मां शामिल है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के नए फैसले से शाही परिवार को बड़ी राहत मिली है। इस जोड़े ने अब ऐसी चीजें नहीं करने का फैसला किया है जिससे लंदन के शाही घराने की छवि को ठेस पहुंचने की गुंजाइश थी। अब यह जोड़ा न तो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगा, न ही संस्मरण प्रकाशित करेगा और न ही शाही घराने पर हमला करने के लिए कोई इंटरव्यू ही देगा। बता दें कि कैलिफोर्निया शिफ्ट होने के बाद से इस जोड़े ने किंग चार्ल्स, कैमिला, विलियम और केट पर कई हमले किए हैं। हिंदी में इंटरनेशनल हेडलाइंस का सफर आज यहीं तक। अब आपसे आज तक AI पर कल होगी मुलाकात। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।